बिग स्ट्रॉन्ग वेल राउंडेड चेस्ट। जितने भी जिम जाने वाले लड़के हैं उनका एक सपना तो हमेशा होता है कि वो अर्नोल्ड के जैसे चेस्ट बनाए, जिनमें से मैं भी एक हूँ। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये करना आपके लिए कुछ हद तक आसान हो सकता है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ गलतियों के बारे में और कुछ टिप्स के बारे में जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। कल मेरी भी चेस्ट की ट्रेनिंग थी और मैं, ये मेरा टॉप सेट है जिसमें मैं 95 केजी से शायद मैंने 6 रेप्स किया। मैं 7 रेप्स के लिए जा रहा था लेकिन एंड आई फेल्ड आई गेस। यस, तो बात शुरू करते हैं मिस्टेक से। यूजुअली जो लोग आते हैं खास करके नए लड़के, वो वार्म अप को नेगलेक्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ आप 5-10 मिनट्स नॉर्मल वॉकिंग करो। आप ट्रेडमिल में भी कर सकते हो, आप शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशंस भी कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिनट काफ़ी है। उसके बाद आप कुछ पुशअप्स लगा लो, नॉर्मल पुशअप्स, और आप बाद में एक्सप्लोसिव पुशअप्स भी लगा सकते हो, जैसे आप मुझे देख सकते हो वीडियो में। उसके बाद लाइट वेट से कुछ फेस पुल्स ताकि शोल्डर और अच्छे से वार्म हो जाए और मैं बेंच आराम से कर सकूं बिना किसी शोल्डर प्रॉब्लम के। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं जिम में हमेशा देखता हूं लोगों को गलती करते हुए, कि वो अपना पहला सेट करने से पहले अपनी बॉडी को रेडी नहीं करते, जो करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये मेरा लास्ट वार्म अप सेट है जिसके बाद मैं पहला वर्किंग सेट करूंगा जो कि 80 केजी से होगा, जिससे मैं 8 रेप्स लगाऊंगा। उसके बाद 85 केजी से 8 रेप्स लगाऊंगा, फिर 90 केजी से भी 8 रेप्स लगाऊंगा, और 95 केजी से मेरा एम है कि 8 रेप्स लगाऊं। अब बात करते हैं हैंड प्लेसमेंट के बारे में, जिसके वजह से लोगों को आमतौर पर शोल्डर इंजरीज होती है या फिर शोल्डर्स तंग करते हैं उनको जब भी वो बेंच प्रेस करते हैं। तो आप मेरे हाथ को ध्यान से देखिए, मेरे दोनों एल्बोज मेरी बॉडी से यानी कि मेरे बैक से, मेरे लैट से 45 डिग्री एंगल पे है। अगर मैं इसको बहुत फैला दूँ तो मुझे शोल्डर इंजरीज हो सकती है या मुझे शोल्डर में नेकिंग पेन भी हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा अपने एल्बोज को अपने बैक के करीब रखो, अपने लैट्स के करीब रखो, और बेंच प्रेस करने से पहले हमेशा अपनी पीठ में एक आर्च बना के रखो। आर्च यानी कि आपको अपने शोल्डर्स को पीछे रिट्रैक्ट करके रखना है ना, रिट्रैक्ट करके ही बेंच प्रेस लगाए। और मेरा एक लास्ट सजेशन है, सजेशन नहीं रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ 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 कुछ भी करना लेकिन इस इंसान के जैसे बेंच प्रेस कभी मत लगाना। बिना वार्म अप के बेंच प्रेस करने से कुछ वैसा ही फील होता है। मैंने कुछ पढ़ा चढ़ा के दिखाया है लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसलिए लोग ज़्यादातर अपने पीछे के स्पॉटर को रख लेते हैं और उससे ही ज़्यादा सपोर्ट लेते हैं, खुद उतना वेट लिफ्ट नहीं करते जितना वो बारबेल में लगा देते हैं। ये मैं अपना थर्ड सेट कर रहा हूँ, 90 केजीज से मैंने 8 रेप्स किए। मैंने मिस्टेक्स बताए जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे आप वार्म अप करना कभी अवॉइड मत करो, वार्म अप किया करो, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप वेट इंक्रीज करो जब तक कि आप अपना वर्किंग सेट शुरू ना कर दो, और आप सीधा हाथे के साथ अपनी एक्सरसाइज करना चालू मत करो जिससे इंजरीज हो सकती है ना। अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो नंबर वन टिप तो ये है कि अगर आप चेस्ट वीक में सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हो तो आप सबसे पहले 2 बार ट्रेन करना चालू करो। अगर आप एक दिन में ही 7 एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो उसको आप डिवाइड कर दो 4 और 3 में। एक दिन आप सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस करो और 3 दिन के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ, या फिर 2 दिन के बाद आप बचे हुए 3 एक्सरसाइजेस करो। इससे क्या होगा कि आप इंटेंसिटी बनाए रख सकोगे। अगर आप एक ही दिन 7 एक्सरसाइज करते हो तो 7वां एक्सरसाइज पहुँचते पहुँचते आप बहुत थक जाते हो, तो आप उसको डिवाइड कर दो। आप एक दिन 4 करो और दूसरे दिन 3 करो।
उसको करने का सिंपल सा तरीका है, आप पुश पुल लेग कर सकते हो या अपर लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगा इन फ्यूचर। अगर मेरी बात करो तो मैंने आज चेस्ट के लिए सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस की। पहला था बेंच प्रेस जिसकी मैंने 4 सेट्स की, दूसरा था इंक्लाइंड डंबल प्रेस जिसके मैंने 3 सेट्स किए, और ये लास्ट में मैंने केबल फ्लैश किया जिसका 3 सेट्स मैंने किया, जो कि आप देख सकते हो। और किसी भी मसल ग्रुप को बनाने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज में फोकस मत करो, आप कम एक्सरसाइज में फोकस करो और उसमें ही बेहतर बनने की कोशिश करो। कीप इट सिंपल एंड बी कंसिस्टेंट, आपके दिमाग में सिर्फ यही बात हमेशा होनी चाहिए। तो ये रही आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिए, आपको कुछ पूछना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको मेरा डाइट प्लान या फिर मेरा वर्कआउट प्लान जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ और आती रहेंगी। तब तक के लिए पीस।